गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पालक को मैं अच्छे से कट कर ली हूँ और आज मैं बना रही हूँ पालक पराठा। तो उसकी रेसिपी भी आप लोग से शेयर कर लूँगी, तो आप लोग लास्ट तक बने रहना। यहाँ मैं 2 कप आटा ले ली हूँ और धनिया पत्ती, 1 प्याज, लहसुन अदरक की कुछ कलियाँ और हरी मिर्च सबको मैं अच्छे से कट कर ली हूँ। और इसमें मैं नमक स्वाद अनुसार डालूँगी और थोड़ी सी अजवाइन डालूँगी और सबको मैं मिक्स कर लूँगी, जैसे आटा गूंथते हैं ना बिल्कुल वैसा ही। और पालक को ना मैं कढ़ाई में थोड़ी सी तेल जीरा डाल के और उसे फ्राई कर ली थी मैं उसे, और मिक्स कर दूंगी इसमें। और इसमें मैं थोड़ी सी तेल भी डाल दूंगी, उससे पूरी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट होगी और जैसे आटा गूंथते हैं ना बिल्कुल वैसे ही गूंथ के। और 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे, जब तक ये सेट होगा आटा तब तक मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं पराठा बेलूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं नहा के आ गई। मैं अपने बालों में आज मेहंदी लगाई थी तो बस आज हेयर वॉश ही करना था, और आज शाम में मैं इसमें तेल लगा लूँगी बाल में और कल शैम्पू करूँगी, उससे मेहंदी का कलर ना ज़्यादा दिन तक टिकता। आप भी ऐसा ही किया करना। और आज मैं आप लोगों के साथ डेली का मेकअप रूटीन भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ मैं गुलाब जल का जो स्प्रे है वो मैं लगा लूँगी फेस पर, ये टोनर का भी काम करता है। उसके बाद लक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर है वो मैं फेस पर लगा लूँगी, क्योंकि मेरा स्किन ना थोड़ा सा ड्राई है इसलिए मैं इसे लगाती हूँ। और उसके बाद मैं लोटस का जो डे क्रीम आता है वो मैं लगा लूँगी, ये क्रीम मेरे फेस को सूट करता है। उसके बाद मैं काजल और लिपस्टिक और सबसे इम्पोर्टेंट सिंदूर लगा लूँगी और अपने हेयर को कॉम कर लूँगी। बस हो गया मेरा डेली का मेकअप रूटीन। तो यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और आटा हमारा पूरा सेट हो गया है और अब मैं इसे पूरी बेलूँगी। तो जैसे रोटी की लोई लेते हैं ना, बस उसे थोड़ी सी ज़्यादा ले लेना है, या आप उतना भी रख सकते हो, बड़ी पराठा खाने छोटी, ये आप खुद पे देख लेना। और यहाँ पे देखिए कि मैं लोई ले ली हूँ और आटे में मिला मिला के इसे बेल लेंगे, पराठे की तरह नहीं, मैं गोल गोल ही बेलूँगी रोटी की तरह ही। और ये ना बेले तो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा मोटा, यानी रोटी जैसी पतली नहीं अच्छी लगेगी, थोड़ी सी मोटी थोड़ी सी ठीक रखे। और वो मैं यहाँ बेल लूँगी और वहाँ मैं गैस को ऑन करके तवा चढ़ाती हूँ। और बच्चे ना पालक बिल्कुल खाना नहीं चाहते, मेरा बाबू पालक बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता, तो मैं उसे पराठे में बना के देती हूँ। और पता है तब भी वो बोलेगा मम्मा पालक पराठा है क्या, तो मैं बोलती नहीं बाबू पालक पराठा नहीं है, ग्रीन पराठा, ग्रीन कलर कर दिया मम्मा पराठा में, तो वो खाता है। और बच्चे को खाना चाहिए क्योंकि विंटर के सीज़न में तो सबके घरों में साग बनती है ना, लेकिन मेरे यहाँ बहुत कम ही बनती, बाबू खाता ही नहीं है, मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर उसको ये पराठा ही बना के देती हूँ। उसे पालक पनीर बहुत पसंद है, पर पालक पनीर डेली डेली थोड़े बनाया जा सकता है। और ये देखिए इस तरह की पराठे आप बेल ले, और तवा मेरा गर्म हो गया तो मैं उस पर डाल दूँगी। और तब तक मैं कोई दूसरी पूरी भी बेल लेती हूँ। और आप पालक को पूरी भी बना सकते हो, जैसे रिफाइंड में छान के पूरी की तरह तल भी सकते हो, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन वो आज मैं नहीं बना रही हूँ, आज मैं पराठा ही बना रही हूँ। और इसे आप किसी सॉस के साथ भी डाल दो, सब्जी के साथ कैसे भी खा लो ना, ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तब तक यहाँ मैं कुछ और लोई बना लेती हूँ ताकि पराठे बेलने में आसानी हो। और उधर मैं रोटी को भी पलट रही हूँ, और जब रोटी थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी ना तो दोनों तरफ से रिफाइंड या घी कुछ भी आप लगा लो और पराठे बन जाएंगे। और यहाँ देखिए कि मैं दोनों तरफ से यहाँ रिफाइंड लगा ले रही हूँ, और ये देखिए कि बन गया गर्मा गर्म पालक पराठा, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। और फिर मैं यहाँ पे दूसरी पराठा डाल रही हूँ, और इसी तरह से हम सारे पराठे को निकाल लेंगे। आप भी एक बार पालक पराठा ज़रूर ट्राई करिएगा बनाने का, अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते तो एक बार आप उसे पालक पराठे खा के ज़रूर खिलाइए, क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पालक बहुत ज़्यादा फायदा भी करता है बच्चे को। तो यहाँ देखिए कि मेरे सारे पालक पराठे बन गए, अब मैं सर्व करती हूँ। तो यहाँ जो मैं अचार बनाई थी नींबू वाला, वो अचार इस पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो वही अचार मैं निकाल रही हूँ। और बाबू के प्लेट में मैं सॉस दे दूँगी, क्योंकि बाबू को सॉस के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं बाबू के प्लेट में सॉस डालती हूँ और अपने में अचार, और फिर हम लोग जा रहे हैं अभी खाने के लिए। और आप लोगों को ये पालक पराठा की रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। और बाबू को भूख लगी हुई है तो मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ, क्योंकि बाबू उसमें से बोल रहा है मामा जल्दी दो, तो मैं अभी जा रही हूँ बाबू के पास देने, क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई ना, मैं नहाने में चली गई थी, थोड़ी सी लेट हो गई, तो मैं जा रही हूँ बाबू को देने के लिए।
ग्रीन पराठा है। ग्रीन पराठा क्या डाली है उसमें? देखो ग्रीन ग्रीन लग रहा है, ग्रीन 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 ग्रीन। कैसा है खाने में? अच्छा, इतने क्या पालक टाइप का टेस्ट लगा, पालक पराठा है? नहीं नहीं ग्रीन पराठा है, पालक नहीं। पालक इसमें दिख रहा, थोड़ा भी पालक दिख रहा नहीं ना? वो तो एक भी पालक नहीं है यहाँ पर। सच्ची में तो कच्चा ऐसे खाने का बिल्कुल मस्त बना। आपको नहीं पता नहीं ग्रीन पराठा है, पालक पराठा है ही नहीं, ग्रीन पराठा है। ग्रीन पराठा एक भी है इसमें, पराठा में एक भी पालक दिख रहा? बताओ आप कंफ्यूज हो रही, मतलब मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। एक भी नहीं है बाबू। चच्ची में मम्मा आटा मिला, इसमें ग्रीन कलर डाल दी थोड़ा सा। ग्रीन कलर क्या है? मिलता है बताओ ना। मिलता है रेड कलर बनाओ ना। हाँ रेड भी बना दूंगी। ठीक है मैं दे दूंगी आपको रेड। नहीं नहीं मैं तो ग्रीन पराठा नहीं चाहिए, मेरे को ऑरेंज पराठा चाहिए। ऑरेंज पराठा बना दूंगी। देखो ये ग्रीन पराठा और इसके साथ सॉस ले लो, हो गया ग्रीन और रेड पराठा। क्या हुआ? कुछ नहीं। बहू को ठंडी लग रही है तो क्या हुआ? थकावट रह रही है। पढ़ाई कर रहा था तो क्या कर रहा था? क्या पालक कट 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 होने नहीं है तब भी पहन देता हूँ, लिखा नहीं करना लिखा पन्नी। बिल्कुल बोलू बोलू अच्छा लग रहा है बाबू मेरा। अभी कुछ नहीं, अभी और ले दूंगा। कैसे और लूंगा? अब तो और ज्यादा लग रहा है। बाबू को ठंडू लग रही है? नहीं लग रही है। नहीं लग रही है। पढ़ाई कर रहा था? नहीं। तो क्या कर रहा था? क्यूट क्यूट बाबू को क्या हो गया है? तो नहीं, निन्नी आ रही है। हाँ। तो सो जाइए ना, निन्नी आ गई तो छो जाइए। नहीं नहीं, बालों में मेहंदी लगाई थी तो देखिए बाल कितने शाइन कर रहे हैं ना सूख जाने के बाद से। और ये मैं नॉर्मल मेहंदी लगाती हूँ, जो नॉर्मल मेहंदी आती है ना तो वो मेहंदी में लगाती हूँ। और उससे मेरे बाल ना देखिए कि पूरे कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। और पता है आज मैं अपने हेयर में ना शैम्पू भी नहीं लगाई, बस पानी से बस वॉश की हूँ और कोई शैम्पू नहीं लगाई, बस नींबू थोड़ा सा लगा ली थी लास्ट में। और अब मेरे बाल देख लो कि कितना सॉफ्ट लग रहे हैं। और आज मैं अपने बालों में क्या करूंगी ना, रात में तेल लगा लूंगी, कोई भी तेल से मसाज कर लूंगी, या तो कोकोनट या ऑलिव ऑयल। ये ऑलिव ऑयल आप लगा सकते हैं, नहीं तो ये पैरासूट का कोकोनट, ये दोनों में से कोई भी ऑयल में लगा लूंगी नाइट में। और उसके बाद मैं थोड़ी सी मसाज कर लूंगी ऐसे, और उसके बाद मैं कल शैम्पू करूंगी अपने हेयर में। तो उसे क्या है कि मेहंदी का कलर ना ज्यादा दिन तक रहता टिकता है। और आज मैं तो इसलिए बाल मेरे पूरे सॉफ्ट लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं अपना ये ब्लॉग आज का यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज फुल वॉच करिएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
और अगर आप मेरे ओल्ड फ्रेंड हो ना तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, और प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा।